हेलो स्टूडेंट्स, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड क्लास है। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में मैंने ये टेबल आप लोगों को दिखाया था जो क्लास 11 में आपने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसका डोमेन और रेंज आपको दिखाया गया था। आपने क्लास 11 में ये देख लिया था। और ये वाला जो है, पिछले क्लास के एंड में मैंने आप लोगों को ये टेबल दिया था जिसमें मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के बारे में बताया था और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन क्या है और रेंज क्या है वो बताया था। उसके बाद कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे थे मेरे से, तो उसके बेसिस पे आज मैं जो है इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो क्लास 11 में आपने ग्राफ पढ़ लिया था उसको, और साइड बाय साइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, ये दोनों चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, और ये दो चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो इस जो भी डाउट आपने पूछा था वो आई थिंक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ऐसे क्यों लिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो साइन का है, साइन का मैं प्रॉपर पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, बाकी फंक्शन का जो है डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा नहीं, जस्ट बना के मैं उसको समझा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन साइन फंक्शन का डायग्राम बना के मैं आपको दिखा दूंगा, सिमिलर वे में बाकी फंक्शन का डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये है साइन का फंक्शन, जो रियल नंबर से, जिसका डोमेन होता है रियल नंबर और उसका रेंज होता है -1 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल में, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का आपका साइन इनवर्स फंक्शन है। -1 से लेकर 1 इसका डोमेन है क्लोज इंटरवल में, 2 - π/2 से π/2। तो एक एक करके इसका ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसका साइन फंक्शन का आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो साइन फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए ये जो वैल्यूज़ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्लास 11 का बुक में ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा। तो इसको मैंने साइड सामने रखा है ताकि इसका ग्राफ को आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए साइन फंक्शन का पहले ग्राफ बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है वो ग्राफ। तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारा एक्स एक्सिस में आएगा, और ये जो वैल्यूज़ है ये साइन 0 π/2, ठीक है, पाई 3π/2, 2y 5π/2, ये क्या है साइन x, ये x एक्सिस में आएगा और ये आएगा y एक्सिस में। ठीक है, ये वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट। ये हो गया 0, इधर पे आपका पॉजिटिव x, x डैश y एंड y डैश। 0 के बाद आएगा π/2, देन पाई, उसके बाद 3π/2, 2π 5π/2। ये जो वैल्यूज ले रहा हूँ ये अगर किसी को पता नहीं है, ऐसे पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 11 में पढ़ा हुआ चीज़ है ये, तो मेरे को पूछ लेना अलग से। ठीक है, फिलहाल मैं यही समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि ये वैल्यूज मैं कहाँ से ले रहा हूँ। और वाई एक्सिस में आप देख रहे हैं 1 और -1 और 0, ये तीन ही वैल्यू आ रहे हैं, देखो -1 से लेकर 1 तक, तो यानी कि इधर पे -1 और यहाँ पे 1। ठीक है, फटाफट से पुट करते हैं। साइन 0 पे 0 कौन सा पॉइंट हो रहा है, साइन 0 पे 0 यही वाला पॉइंट हो रहा है। साइन π/2 पे 1 मतलब ये पॉइंट होगा, ये π/2 और ये 1, तो ये पॉइंट हो रहा है। अगेन साइन पाई पे 0, एक्स एक्सिस में जितनी बार भी आएगा वो 0 हो जाएगा। एंड 3π/2 पे -1, 3π/2 इधर है और -1 तो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 2π पे फिर से 0 एंड 5π/2 पे 1। और सेम वैल्यूज़ अगर नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि साइन -π/2 होने से ये -1 हो जाएगा, तो -π/2 में -1 यहाँ पे आएगा। फिर साइन -π पे अगेन 0 हो जाएगा। फिर -3π/2 पे -1 है, तो -3π/2 पे ये क्या हो जाएगा, +1, जो कि यहाँ पे आएगा। उस तरीके से 2π पे 0 एंड देन इसका नीचे -π/2। अब इसको आपको ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके का आपको कर्व मिलता है, देखिए ऐसा, फिर यहाँ पे ये, उसके बाद फिर ऐसा। तो साइन का जो ग्राफ है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, इसका इंटरवल क्या है, 2π। देखिए यहाँ से ये शुरुआत हुआ है, फिर यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया, एंड अगेन वैल्यूज़ जो है रिपीट होंगे, ये जो वैल्यूज़ है अगेन रिपीट होंगे, जैसे 0 1 0 -1 0, फिर ये यहाँ से फिर स्टार्ट होगा 0 1 0 में। तो इसका इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 2π। ठीक है, किसका, साइन फंक्शन का इंटरवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम जा रहा है ये +1 जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, और मिनिमम जा रहा है -1, तो जो कि हमारा
ये चीज चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइन का ग्राफ हो गया ये। अभी साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स का जब ग्राफ बनाएंगे, फिलहाल इसको भूल जाइए, इसी को लेकर इनवर्स ग्राफ बनाते हैं। कैसे? अभी हमने इसको एक्स लिया था और इसको वाई लिया था, अब हम क्या करेंगे, इसको वाई ले लेंगे और इसको एक्स लेके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस पे और इसको लेंगे वाई एक्सिस पे। फिर मैं आपको यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बताता हूँ। तो पहले इसको बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एक्स एक्सिस में इतना जरूरत नहीं है। क्या होगा इधर? प्लस वन, जीरो, माइनस वन, है ना। और अब ये जो हमारा x था, ये हो जाएगा y एक्सिस में। जीरो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, फाइव पाई बाई टू, और नीचे की तरफ माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो ये हमने x एक्सिस पे लिया, तो जब जीरो है y का वैल्यू भी जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पर जब वन है ये y में क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। देखिए ये हम अभी x ले रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सुविधा के लिए। पहले हमने इसको x लिया और इसको y लिया, अब जब इनवर्स वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको हमने x लिया है। ठीक है, जीरो वन जीरो, माइनस वन जीरो वन, इसको मैंने एज ए x लिख लिया, और y और y में फिर क्या आ रहा है, जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, यहाँ पे वन है तो फाइव पाई बाई टू। अब आसानी होगा, तो जीरो पे जीरो, x का वन लेने पे y का पाई बाई टू, तो x का वन y का पाई बाई टू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, x का जीरो पे y का पाई, x का जीरो पे y का पाई यहाँ पे आएगा। x का माइनस वन पे y का थ्री पाई बाई टू, x का माइनस वन पे y का 3 पाई बाई टू यहाँ पे आएगा। फिर x का 0 पे y का 2 पाई, फिर x का 1 पे, x का 1 लेने पे y का कितना होगा, 5 पाई बाई टू। ठीक है, तो ऐसा ही नेगेटिव में चलेगा, 0 पे 0, अगर आप माइनस वन ले लेते ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, तो माइनस वन x का माइनस वन पे ये माइनस पाई बाई टू, फिर 0 पे माइनस पाई, फिर इसको अगर हम प्लस वन लेते हैं तो ये माइनस थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, प्लस वन एक्स का प्लस वन, वाई का माइनस थ्री पाई बाई टू यहाँ पे आ रहा है, फिर जीरो पे टू पाई, ऐसा फिर चलता रहेगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो किस तरह के ग्राफ आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये पाई से ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, पहले हमने ये बनाया और इसका उल्टा जब बनाया ये बना। लेकिन ये जो है इनवर्स का ग्राफ पूरा का पूरा नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया था फर्स्ट स्टार्टिंग वाला क्लास में, हमने पढ़ लिया था कि जो साइन फंक्शन है वो क्या है, वो इन्वर्टेबल नहीं है इन नेचुरल डोमेन। लेकिन ये हमने जो ड्रॉ किया उसके नेचुरल डोमेन पे ही हमने ड्रॉ किया। साइन जो है किस पे इन्वर्टेबल है, साइन का इन्वर्स किस पे एग्जिस्ट करेगा, उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। तो इस डायग्राम से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप कहाँ से पता कर सकते हैं, देखिए माइनस पाई बाई टू मतलब ये, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू मतलब यहाँ तक, तो ये वाला है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ये हमारा साइन इन्वर्स का डायग्राम है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, इसमें वैल्यू देखिए किसके, इसका जो डोमेन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए माइनस वन से लेकर वन तक है, है ना। और इसमें सारा का सारा, इसमें जो फंक्शन बन रहा है इस ब्रांच पे जो फंक्शन बन रहा है वो वन वन भी है और ऑनटो भी है, तो इसका मतलब इस ब्रांच पे ये क्या है, ये इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है। वैसे तो ये वाले ब्रांच में भी एग्जिस्ट करता है, ये वाले ब्रांच में भी एग्जिस्ट करता है, ये वाले ब्रांच में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने क्या बताया था, हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लेकर ही सोचते हैं, बाकी सारा ब्रांचेस उसका क्या हो जाता है, जनरल ब्रांचेस। तो इसका मतलब ये सारा क्या हो जाएगा, इसका जनरल ब्रांच हो गया। तो ये तो मैंने सीधा सा क्या किया, इस ग्राफ को लाने के लिए इसको उल्टा कर दिया, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका उल्टा मतलब इसका इन्वर्स लेके आने का, इन्वर्स ग्राफ को ड्रॉ करने का, वो क्या है, आपके बुक में देख दिया होगा, देखिएगा जो मेन फंक्शन है उसमें आपको y इज इक्वल टू x का एक लाइन ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू x का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू x का मतलब है कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ छोटा सा करके,
कि मान लीजिए y इज इक्वल टू x अगर लाइन बनाते हैं तो वो लाइन हमेशा क्या बनता है, वो x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल में जो है इंक्लाइन रहता है, ये होता है y इज इक्वल टू x का लाइन। तो y इज इक्वल टू x का लाइन एक आपस में बनाइए, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू x का लाइन ऑलमोस्ट ऐसे जाएगा और नीचे की तरफ भी ये जाएगा, ठीक है, बुक में देख सकते हैं ये वाला डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे इसका इन्वर्स को ऑप्टेन कर रहे हैं, मतलब एक ट्रिक जैसा इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x का लाइन। अब इसका मिरर इमेज बना देने के लिए बोल दिया है, क्या बोला है, जो ये वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज बना दो और ये वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज बना दो। तो जो डायग्राम आएगा वो एक्चुअली ये वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। कैसे, तो देखिए पहले इसका मिरर इमेज बनाता हूँ मैं, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, इसका मिरर इमेज बनाता हूँ। तो इसका मिरर इमेज कहाँ कैसे बनेगा, यहाँ से ये यहाँ तक आके फिर ये लाइन कैसा है, ऐसा है, तो ये ऐसा जाएगा, है ना, ये ऐसा, तो ये मिरर इमेज में ऐसा जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसा जा रहा है तो ऐसा, ठीक है। तो ये कौन सा वाला का मिरर इमेज बन गया, ये वाला पार्ट का। इसका मिरर इमेज बनाते हैं, तो इसका मिरर इमेज ये वाला लाइन ऐसे आएगा, फिर ये जो है ये ऐसे जाएगा, फिर ये वाला पार्ट मिरर इमेज में ऐसे आएगा। तो जैसे हमने मिरर इमेज बनाया तो ये जो ब्लू वाला लाइन है ये देखिए एग्जैक्टली, ये पूरा एक साथ में देखिए इसको, ये एग्जैक्टली ऐसे ही बन गया। देखो ऐसे था पहले, ये ऐसे है, फिर ऐसे गया है, फिर ये भी ऐसे गया है, फिर ये ऐसे आया है, ये भी ऐसे आया है, देन लास्ट में ये ऐसे गया है, ये भी ऐसे गया। तो उसका मिरर इमेज बनाने से ही जो है इसका इन्वर्स हम लोग को मिल जाता है। और दूसरा एक और तरीका है इसका इन्वर्स को ड्रॉ करने का, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। ये वाला जो डायग्राम था साइन फंक्शन का, उसको मैं यहाँ पर छोटा करके अलग से बनाता हूँ। किस तरह का डायग्राम है, ऐसे वैल्यूज मैं नहीं दे रहा, समझ जाना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ना। अब इस डायग्राम को इन्वर्स में करना है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, बहुत सिंपल के बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो क्या करना है, ये आपका x पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, ये वाला चीज़ ज़्यादा इजी लगने वाला है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम क्या करेंगे इसको फिक्स रख के इसको ऐसे घुमा देंगे 90 डिग्री। तो जब आप इसको ऐसे घुमा दोगे 90 डिग्री, ये जो y पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। घुमाने के बाद कैसा डायग्राम आपको मिलेगा मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हो गया x पॉजिटिव, है ना, और y पॉजिटिव इधर आ गया, और ये जो लाइन था ये x नेगेटिव यहाँ पे आ गया, और ये जो y नेगेटिव है ये यहाँ पर आ गया। मतलब क्या हो गया कि x जो था वो y एक्सिस के जगह पे आ गया और y जो था वो x एक्सिस के जगह पे आ गया जब हमने इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाया। तो डायग्राम में कैसे चेंजेस आएगा देखिए, ये डायग्राम इसको देखिए, ये ऐसा ऊपर की तरफ है ना, जब इसको हम उधर लेके गए तो ये ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो नीचे की तरफ है ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके आएगा, यानी कि इस तरह का डायग्राम आ जाएगा। देख लीजिए ये वाला ऊपर की तरफ है ना, इसको आप घुमा के ऐसे ले गए तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ है, ये घूम के ऐसे आएगा तो ये ऐसे हो गया। लेकिन क्या ये डायग्राम अभी भी सेम है, सेम नहीं है, ध्यान से देखना, इसका जो फेस है इस तरफ है और इसका फेस है इस तरफ है, दैट मीन्स ये अभी भी पूरा पूरा इन्वर्स का डायग्राम नहीं आया। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करें, गलती कहाँ पर है, तो देखो ये जो एक्स एक्सिस था इसने पूरा वाई एक्सिस का जगह ले लिया, बिल्कुल सही लिया कि ऊपर में पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये जो वाई एक्सिस है इसने जब एक्स एक्सिस का जगह लिया ऐसे घुमाने पे, नेगेटिव इधर पे आ गया और पॉजिटिव इधर पे आ गया, जो कि गलत है। पॉजिटिव हमेशा कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम को ऐसे घुमा देंगे, मतलब ऐसे घुमा देंगे 180 डिग्री पूरा। ये 90 डिग्री घुमाया था, इसको अब वाई एक्सिस के में पकड़ के, मतलब एक्स एक्सिस यही रहेगा, जस्ट इसको ऐसे घुमा देना, मान लो ये वाई एक्सिस है, इसको ऐसे घुमा देना है, तो वाई इधर पे आ जाएगा और वाई माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो घुमाने के बाद क्या डायग्राम मिलेगा आपको, ये एक्स
x डैश ये वाला, और जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो घुमाने से क्या हुआ, ये y उठ के इधर आ गया और y माइनस पीछे से उधर पे आ गया। तो यानी कि डायग्राम ऐसा हो जाएगा, y माइनस इधर हो गया। अब इसको ऐसे घुमाने से क्या हुआ, ये जो इस तरफ फेस था इसका फेस इस तरफ हो जाएगा, मतलब इस तरीके का एक डायग्राम आ जाएगा। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अब ये वाला जो डायग्राम है ये एग्जैक्टली इस इनवर्स की तरह है, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं क्या किया हमने, पहले यहाँ से इसको फिक्स रखे, जैसे मान लो ये कुछ किसी चीज़ से फिक्स रखा हुआ है, और इसको ऐसे घुमाया, ज़्यादा नहीं 90 डिग्री घुमाया, ताकि x इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। तो ये घुमाने पे क्या हो गया, ये x एक्सिस ने, ये जो x एक्सिस था एग्जैक्टली y एक्सिस का जगह ले लिया, और y एक्सिस ने क्या हुआ, x एक्सिस का जगह ले लिया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये जगह तो ले लिया है लेकिन पॉजिटिव वाला इधर रह गया और नेगेटिव वाला इधर रह गया, जो कि गलत है। तो हमने इसको सही करने के लिए क्या किया, फिर इसको ऐसे घुमाया, ऐसे पकड़ के y एक्सिस ऐसे घूम के उधर चला गया और ये पॉजिटिव वाला इधर आ गया। तो ये जो डायग्राम है एग्जैक्टली हमको इसका इनवर्स की तरह मिल गया है, ठीक है, समझ में आया। नाउ इसको हम लिखेंगे, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको समझ में आ जाए था कि एक्स एक्सिस ने वाई का जगह ले लिया। तो ये रहेगा ही हमारा क्या, एक्सिस तो हमारा वाई ही रहेगा, लेकिन समझने के लिए ये समझना कि एक्स एक्सिस ने उस डायग्राम का एक्स एक्सिस ने घुमाने पे किसका जगह ले लिया, वाई का जगह ले लिया। तो इन्वर्स में वही तो होता है ना, हम लिखेंगे इसमें एक्स और वाई ही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम ये डायग्राम को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो बेसिक चीज़ है, ये तो ट्रिक्स वाली बात है, बेसिक चीज़ है कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो यहाँ से आप आराम से डायग्राम को निकाल सकते हैं। देखो ये डायग्राम है, सेम ऐसा ही डायग्राम मेरे को वो घुमाने वाला काम करके भी आया है, और ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन बनाकर भी मेरे को सेम ऐसा ही डायग्राम आया है, ठीक है। बनाने के लिए तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि डायग्राम को समझे, तभी आगे अगर कोई भी क्वेश्चंस में ऐसा आता है जिसमें डायग्राम समझना ज़रूरी हो, तो अगर ये सब चीज़ें पता ना हो तो शायद आप डायग्राम को ना समझ पाए, ठीक है, तो क्वेश्चन को ही ना समझ पाए। तो ये साइन का मैंने डिटेल में बना दिया, अब कॉस, उसके बाद टैन, कॉस एक्स एक और जो भी है उसका मैं जस्ट डायग्राम बनाऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इन्वर्स, सबका जो है सिस्टम यही है, या तो आप वाई इजिकल टू एक्स का लाइन बना के उसका मिरर इमेज ले लीजिए, इन्वर्स आ जाएगा, या फिर ये वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए सब में, कि आप पहले इसको 90 डिग्री लेके गए, फिर वाई एक्सिस को 180 डिग्री घुमा दिए, है ना, ऐसे करके यहाँ से ये, तो 180 डिग्री हो गया ना वो, और इसको घुमाया कितना, ऐसे 90 डिग्री, और इसको पूरा 180 डिग्री, तो ऐसे करके ये वाला फाइनल डायग्राम आ जाता है। तो सब में ये वाला चीज़ ही आएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा साइन का, कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर भी पूछ सकते हो, ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, दूसरी बार दोबारा देख सकते हो, फिर भी समझ में ना आए तो मेरे को पूछना ज़रूर। नेक्स्ट अभी हम लोग कॉस का देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है कॉस के लिए ग्राफ, कॉस फंक्शन का, ये कॉस इनवर्स का, ठीक है। तो कॉस का भी रेंज क्या होता है, माइनस वन से लेकर वन तक का, जैसे अभी साइन में देखा आपने, वन से लेकर वन तक में ही है ग्राफ, ना वन से ऊपर जाता है ना माइनस वन से नीचे जाता है, तो इसमें भी वन से लेकर माइनस वन तक ही है ग्राफ। यहाँ पर भी जो वैल्यूज हमने डाला है पूरा पूरी, वो टेबल, ये टेबल आपको कहाँ मिलेगा, जैसे मैंने साइन में एक टेबल दिखाया था, क्लास 11 का बुक में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। जैसे कि साइन 0 पे 0 था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कॉस 0 पे 1 है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर साइन का वैल्यू 1 था वहाँ वहाँ पर कॉस का वैल्यू 1 है, जहाँ जहाँ पर साइन का वैल्यू 0 था वहाँ वहाँ पर कॉस का वैल्यू 0 है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसी ग्राफ का हमने फिर यहाँ पर क्या बनाया है, इनवर्स जो है ड्रॉ किया हुआ है। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर हम लोग दिखाने जाए तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से है, 0 से लेकर पाई तक का है, ये है 0 से लेकर पाई, इस ब्रांच में ये फंक्शन जो है इनवर्स है, ये वो इस ब्रांच में 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 0 से लेकर पाई, ये 0, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पाई तक का, और बाकी सारे ये ब्रांच में भी ये फंक्शन इन्वर्स है, लेकिन वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे हो जाएंगे जनरल ब्रांच। तो ये हो गया इसका कॉस इन्वर्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, ये इतना सा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि डायग्राम मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दिखा रहे हैं, ये कॉस इन्वर्स माइनस वन से लेकर वन तक, ठीक है, 0 टू पाई। तो कॉस के बाद अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी देख लेते हैं। ओके, ये कोसेक फंक्शन का जो है ग्राफ है,
समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों है, और ये कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें दिया हुआ है। तो मेरे पास क्वेश्चन जो डाउट आया था कि इसको हम लोग जीरो को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि कोसेक का ग्राफ क्या। अच्छा, कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, वी ऑल नो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin x होगा। तो साइन का जो ग्राफ था, ऑलरेडी हमने देखा साइन का ग्राफ क्या था कि जीरो पे जीरो आ रहा था साइन, है ना, और पाई बाई टू पे वन एंड पाई पे जीरो, इस तरीके से ग्राफ चल रहा था। इधर पे भी इस तरीके से वन और माइनस जीरो के। अब कोसेक इज इक्वल टू 1 - sin/x होने का मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है ये भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब ये रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम लोग ना, तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राफ भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट ऐसे है, मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा जब हम कोसेक का बनाएंगे, ये वाला पार्ट ऐसे है जब कोसेक का बनाएंगे यहाँ से, ये क्योंकि ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ऐसा, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ऐसा, मतलब ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, 1/sin x है। तो आप साइन वाला ग्राफ मिटा दीजिए तो देखिए कोसेक का डायग्राम आपके लिए तैयार है। ये साइन वाला पार्ट मिटा देता हूँ, तो कोसेक इज इक्वल टू क्या है, 1/sin x है। तो इसी तरीके का कुछ ग्राफ आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। अब इसको समझिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ग्राफ ऐसा अजीब सा क्यों है। इसका कारण ये है कि कोसेक इज इक्वल टू 1/sin x है। साइन का जो हमारा ऐसा ऐसा था, तो जो 1/sin x होने के चक्कर पे क्या हो जाएगा कि ये जो ये वाला पार्ट है ये रेसिप्रोकल जब करेंगे इस काम, तो ये ऐसे मिलेगा हमको, और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल करने पे ऐसे मिलेगा। फिर साइन का मिटा दीजिए तो आपको ऐसे ऐसे मिल रहा है ना। ये मीट क्यों नहीं कर रहा, ये भी देखना होगा कि ये मीट, जैसे साइन का तो ऐसा कंटिन्यूस मीट हो रहा था, ये डिसकंटिन्यूस क्यों है। तो कोसेक में आप डोमेन जो है कोई भी रियल नंबर से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ये आपका पूरा हो गया कोसेक का डोमेन। रियल नंबर में से आपको कुछ नंबर्स जो है वो एक्सक्लूड करना होगा। वो कौन कौन सा नंबर होगा, जहाँ जहाँ पर साइन इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर जीरो आ रहा है उसको आपको एक्सक्लूड करना होगा। क्यों एक्सक्लूड करना होगा, और साइन कहाँ पर जीरो होता है, साइन जो है एन पाई पे जीरो होता है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने देखा ना साइन जीरो पे, साइन जीरो जो है साइन का वैल्यू जीरो हो रहा है, फिर साइन पाई पे साइन का वैल्यू जीरो होता है, फिर साइन टू पाई पे साइन का वैल्यू जीरो होता है, साइन थ्री पाई पे साइन का वैल्यू जीरो होता है। तो ये सारे वैल्यूज को अगेन 4π, 5π वैसा चलता रहेगा। तो ये सारे वैल्यूज हम कॉस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका कोसेक निकालेंगे, कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक जीरो निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक जीरो इज इक्वल टू 1/sin 0, और 1/sin 0 मतलब क्या, 0 इज इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से उस सारे वैल्यू को माइनस कर देंगे जो क्या है, एन पाई है, या फिर आप ये बोल सकते हैं जिसमें साइन का वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि उसमें हम लोग को इसीलिए डिसकंटिन्यूस। देखिए यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पर कोसेक का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर कोई वैल्यू आपको मिलेगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा। साइन जीरो पे क्या होता है वैल्यू, साइन जीरो पे जो है जीरो होता है, तो यहाँ पर कोसेक का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब ये बिल्कुल पास आता जाएगा, लेकिन कभी भी ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, और यहाँ पर ये कभी भी वाई पाई को टच नहीं करेगा। इसलिए जो कोसेक का ग्राफ है इस तरीके का होता है, और इसका जो रेंज है वो क्या है, सभी रियल नंबर्स हैं। जैसे कि साइन का रेंज हुआ करता था -1 से 1, लेकिन कोसेक का क्या आएगा, सभी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ये वाला पार्ट। देखिए 1 से लेकर -1 तक के बीच का ये वाला पार्ट जो है कोसेक का रेंज नहीं बनेगा। 1 और -1 जरूर बनेगा, 1 और -1 बनेगा, लेकिन 1 से -1 तक के बीच का वैल्यूज जो है कभी भी इसका रेंज पे नहीं आएगा। इसीलिए रेंज पे ये वाला चीज़ जो है -1 से 1, ये ओपन इंटरवल पे है, इसको एक्सक्लूड किया गया है इस ग्राफ में, ठीक है। नाउ अब समझते हैं इस वाला पार्ट को, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x को। ये y इज इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ था, जैसे कि साइन का ऐसे ऐसे था, तो उस तरीके से साइन इनवर्स का भी एक गलत बन गया ये, ऐसे करके था साइन का कुछ।
तो साइन इनवर्स का भी हमने देखा था, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता था साइन इनवर्स का ग्राफ। तो सेम जैसे मैंने ये चीज समझाया, कोसेक इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पे ऐसे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक का वैल्यू क्या होता है, 1/sin x होता है, और ये पॉइंट पे ऐसा उल्टा हो जाएगा और ये पॉइंट पे ऐसा उल्टा हो जाएगा। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्योंकि ये जो है अपने नेचुरल डोमेन पे तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमने देख लिया। तो इन्वर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसका प्रिंसिपल डोमेन पे, जो कि है -π/2, लेकिन इसमें से जीरो एक्सक्लूडेड है। अब ये जीरो एक्सक्लूडेड क्यों है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो -π/2 मतलब यहाँ पर है से π/2 तक, तो हमारा जो इन्वर्स है कोसेक का, उसका डायग्राम मैं जो चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। अब देखिए, जीरो पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है कोसेक इन्वर्स का। जीरो पे अगर हम लोग कोसेक इन्वर्स जीरो निकालने जाएंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि जीरो पे ये कहीं टच ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा यहाँ पर भी। तो इसीलिए यहाँ पर इसके रेंज में क्या होगा, कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डोमेन। डोमेन में हम क्या ले रहे हैं, आर माइनस -1 से लेकर 1, मतलब -1 से लेकर इसके बीच का वैल्यूज हम नहीं ले रहे हैं। ये -1 से लेकर -1 लेंगे, 1 भी लेंगे, लेकिन इसके बीच का वैल्यूज हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। और जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, -π/2 से लेकर, ये -π/2 हो गया, से लेकर π/2 बट एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में जीरो आ रहा है इसको नहीं ले सकते, बीइंग द रीजन अगर जीरो लेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई वैल्यू हमको नहीं मिल रहा, मतलब जीरो नहीं आएगा रेंज पे। ठीक है, इसीलिए जीरो को एक्सक्लूड किया गया। आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हुआ होगा जिसने भी ये डाउट पूछा था मेरे से। नाउ अभी हम लोग सेक का देखेंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछे ना मेरे से। ठीक है, नाउ अभी हम लोग सिमिलरली सेक का देखेंगे। जैसे कि हमने कोसेक के लिए कोसेक इज इक्वल टू 1/sin का इस्तेमाल किया, सेक का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सेक इज इक्वल टू 1/cos होगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे मैं, बट डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है सेक फंक्शन का डायग्राम। ठीक है, कॉस का सेक इज इक्वल टू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/cos x। तो हमारा कॉस एक्स का जो डायग्राम था वो कैसा था, जीरो पे वन था, एंड उसके बाद इस तरीके से था, है ना, जिसका डोमेन था आर और रेंज था -1 से लेकर -+1 तक, ये 1 से लेकर जो है कहाँ तक होता था, -1 तक होता था। नाउ क्योंकि sec x इज इक्वल टू 1/cos x है, तो हर पॉइंट में यहाँ पर इसका जब आप sec का डायग्राम निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा cos का, यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, देखिए ये वाला चीज़ है, यहाँ पर फिर ऐसे चला जाएगा, ये वाला चीज़ है, फिर यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, यहाँ बचिए। और ये भी cos x की तरह जो है कहाँ कहाँ पर मीट नहीं करेगा, जहाँ पर जो x का वैल्यू है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होगा। क्यों, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में क्या होता है, cos का वैल्यू जीरो होता है, cos ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 2n+1π/2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, cos का वैल्यू कहाँ कहाँ पर 2n+1π/2 में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है 2n, और n यहाँ पर किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू में cos हमेशा जीरो होता है, तो वहाँ पर अगर आप sec का वैल्यू निकालने जाएंगे तो sec 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cos, सॉरी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, जैसे पाई बाई टू है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/cos π/2, और cos π/2 में cos का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये आ जाएगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो जहाँ जहाँ पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू होगा ये कर्व इन्फिनिटी चला जाएगा, मीट नहीं करेगा, जैसे ये पाई बाई टू में कभी भी नहीं आएगा, ये क्या करेगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इसलिए ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा cos की तरह, ये क्या होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, और इसका डोमेन में आप देखिए, रियल नंबर में से हमने क्या कर दिया, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू को हटा दिया, तो फिर इसका रेंज क्या हो जा रहा है, रेंज हो जा रहा है, देखिए फिर से पूरा यहाँ से -1 से पूरा, और सॉरी +1 से पूरा,
इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे माइनस वन से पूरा इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज हो गया रियल नंबर माइनस इसके बीच का जो भी वैल्यू है, माइनस वन टू वन। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका जो रेंज है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इधर पे ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि कहाँ पर एंड होगा किसी को पता नहीं है, और ये क्लोज इंटरवल है। तो इसका रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सेक फंक्शन का। तो ये सेक फंक्शन का डायग्राम हो गया, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स। सेक इनवर्स जैसे कॉस इनवर्स का डायग्राम कैसा था, कॉस इनवर्स का डायग्राम इस तरीके का था, ऐसे ऐसे था कॉस इनवर्स का डायग्राम, ये माइनस वन से लेकर वन के बीच में ही रहता था। तो सेक इनवर्स सेम चीज़ इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इसके रेंज जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है इसका जीरो से पाई तक होगा। देखो ये हो गया जीरो, मतलब यहाँ पर है पाई और यहाँ पर है जीरो, तो इसके बीच में जो भी ग्राफ का पोर्शन आ रहा है उसको हाईलाइट कर दे, ये और ये वाला पार्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। लेकिन उसमें हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पाई बाई टू पे कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये जो है इन मतलब पाई बाई टू इसमें मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे हमको पाई बाई टू मिल सके इस फंक्शन में, तो इसीलिए पाई बाई टू एक्सक्लूडेड है। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं ये पाई बाई टू को कभी मीट नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ये सेक इनवर्स का डोमेन हो गया। डोमेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेन में देखिए हम माइनस वन और वन के बीच का वैल्यू ले ही नहीं रहे, ये माइनस वन हो गया और ये वन हो गया, तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू नहीं ले रहे क्योंकि इसमें कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं हमको। ठीक है, और दूसरा रीज़न तो ये है कि इन्वर्स के लिए हमारा ये रेंज ही इस्तेमाल करना है, तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो भी वैल्यू हमको मिल रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर पाई तक है, एक्सक्लूडिंग ओनली पाई बाई टू। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये ग्राफ मिल रहा है हमको, और ये पाई बाई टू हम एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये पाई बाई टू में कभी भी मीट नहीं करेगा, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक चला जाएगा लेकिन मीट नहीं करेगा। तो ये सेक इनवर्स का हो गया। नाउ अभी दो और बचते हैं, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। ओके, एक्चुअली सेक का समझाने के बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो फिर से मुझे टैन और कॉट का मैं समझा रहा हूँ अभी। तो ये हो गया आपका टैन का, टैन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, और ये टैन इनवर्स का ग्राफ। तो चलिए समझते हैं पहले टैन फंक्शन का ऐसा ग्राफ क्यों है। टैन का जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर से हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू को हटाते हैं। ठीक है, क्यों हटाते हैं थोड़ा समझ लीजिए। टैन इज इक्वल टू क्या होता है, टैन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो अगर कॉस एक्स इसका वैल्यू जीरो हो जाता है तो हमारा टैन का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कॉस का वैल्यू कब कब जीरो होता है हमको पता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे जो कॉस का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। जैसे कॉस पाई बाई टू, फिर कॉस थ्री पाई बाई टू, कॉस फाइव पाई बाई टू, कॉस माइनस थ्री पाई बाई टू, ये सब वैल्यू पे जो जहाँ पर भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू है कॉस क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस जीरो होने से क्या हो जाएगा, ये टेन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रियल नंबर में से सारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और उसको जो भी बचता है डोमेन पे लेते हैं, और जो हमको रेंज मिलता है इसमें पूरा का पूरा रियल नंबर मिलता है। अब समझिए यहाँ पे टेन जीरो पे क्या होता है, वैल्यू जीरो ही होता है। टेन जीरो पे वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है। उसके बाद टेन पाई बाई टू पे है ना, ये पाई बाई टू हो गया, और पाई बाई टू इसके पाई बाई टू मतलब होता है 90, जिसमें समझाने के लिए इसका बीचों बीच में कितना होगा, 45 होगा। 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। ये 10 पाई बाई टू मतलब क्या होता है, पाई का वैल्यू है रेडियन में 180, तो 180 बाई टू 90, तो 90 और इसके बीचों बीच में क्या होगा, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। और जैसे ये पाई के नज़दीक आता है 10 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 10 90 का वैल्यू, 10 90 का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर पाई बाई टू में ये टच नहीं करेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जब पाई बाई टू में आएगा तो ये टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के सारे वैल्यूज आ जा रहे हैं इसमें, और इसलिए जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है हर इंटरवल में ऐसे ही जाएगा, हर इंटरवल में ऐसे ही जाएगा, और ये मीट नहीं करेगा, क्योंकि 10 पाई में जैसे कि कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है जीरो और कॉस पाई का वैल्यू होता है वन,
तो यानी कि 10 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड सेम चीज़ फिर ये रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके से ये 10 का ग्राफ बनता है। नाउ 10 इनवर्स का ग्राफ, अब वही वाला चीज़ मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, इसको अगर आप 90 डिग्री घुमाते हैं फिर ऐसे करके घुमा देते हैं तो आपको ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। देखिए जब इसको आप 90 डिग्री घुमा देंगे तो कोई एक को मैं बता रहा हूँ 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये वाला जो कर्व है ये कुछ इस तरीके का आएगा, है कि नहीं, कि ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आएगा, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। फिर इसको जब आप घुमा देंगे, इसको घुमाने से ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे आ जाएगा, देखिए ये, और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये नीचे तक नीचे की तरफ, है ना, ऐसा हो रहा है ना। ये जब इसको घुमा दोगे आप तो ये वाला जो पोर्शन है ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये रहा इधर की तरफ, और ये वाला पोर्शन इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये 10 इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से ऑप्टेन हो रहा है। नाउ इसको भी आप समझ लो, 10 इनवर्स का जो डोमेन है वो सारा का सारा रियल नंबर्स है। तो डोमेन में आप देखो ये जो ग्राफ है पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, सारा रियल नंबर्स इसमें आ सकता है, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। क्यों, -π/2 और π/2 के बीच में ही रहेगा इसका रेंज, क्योंकि -π/2 और π/2 को हम नहीं ले सकते हैं, इसमें टेन फंक्शन जो है डिफाइन ही नहीं है, है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में टेन फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये π/2 से लेकर -π/2 तक, लेकिन यहाँ पर -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन इंटरवल में है, ध्यान रखना। तो इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच हो गया वो ये हो गया, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल ब्रांच बट ओपन इंटरवल में। तो ये याद रखना बहुत इजी है, साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच है 10 का भी वही प्रिंसिपल ब्रांच है। डिफरेंस ये है कि साइन में ये -π/2 और π/2 जो है ये क्लोज इंटरवल में है, मतलब ये इंक्लूडेड है, लेकिन 10 में -π/2 और π/2 जो है ओपन इंटरवल में है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का बचता है कॉट का, कॉट का भी देख लेते हैं, फिर ये ग्राफ वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। ओके, नाउ ये लास्ट वाला फंक्शन रह गया हमारा, ये कॉट फंक्शन का है और ये इसका इनवर्स का डायग्राम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, ठीक है। तो y=cot x का ये डायग्राम है, पहले डायग्राम को समझते हैं। जैसे tan=, क्या था, sin/cos था, तो cot=, क्या हो जाएगा, cos/sin, ये हमको पता है। तो हमको डोमेन से वो सारे वैल्यू निकाल देने हैं जहाँ पर साइन जो है जीरो हो सकता है, ठीक है। तो रियल नंबर में से हमने क्या निकाला है, nπ निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि nπ में साइन जो है जीरो होता है, जैसे साइन जीरो में साइन का वैल्यू जीरो होता है, फिर sin π में साइन का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, sin 2π में साइन का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये सारे वैल्यूज हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे वैल्यूज में फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो cot r में से जो मल्टीपल्स ऑफ पाई है उसको हमने निकाल दिया, यहाँ पर n क्या है हमारा, z मतलब इंटीजर्स को बिलोंग, मतलब माइनस प्लस दोनों में ही, जैसे कि -π, -2π, -3π, -4π, ये भी हमने हटा दिया है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर्स। तो अब देखो ग्राफ में इसको समझो, जैसे कि cot 0 अगर हमको निकालना है तो हम क्या निकालें, cot 0 पे तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि cot 0 पे ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो cot π/2 पे अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे cos π/2 / sin π/2। तो cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, cos π/2 का वैल्यू हो जाता है 0, और sin π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। तो 0/1 0, तो देखो cos π/2 0, ठीक है। तो उसी तरीके से ये ग्राफ जो है इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, तो लेकिन कभी 0 पे मीट नहीं करेगा, क्योंकि cot 0 का कोई वैल्यू नहीं आएगा। एंड सेम वे नीचे की तरफ, ये कभी पाई में मीट नहीं करेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से हर इंटरवल में एक ग्राफ जो है इस तरीके का आपको मिल जाता है, ठीक है। नाउ इसका इनवर्स देखिए, इसका इन्वर्स जब आप ड्रॉ करेंगे, अब वही वाला मेथड से थोड़ा डायग्राम को समझ लीजिए। जब इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे, कोई एक पे फोकस कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, जब इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला जो कर्व है ये अभी ऐसा है, ऐसा है। जब इसको ऐसे घुमा देंगे हम 90 डिग्री तो ये कैसा बन जाएगा, ये इस तरीके का बन जाएगा, है कि नहीं, ये इस तरीके का बन जाएगा ऐसा। इसको अगर हम ऐसे 90 डिग्री घुमा दें, फिर इसको अगर हम इसको ऐसे 180 डिग्री घुमा दिए तो ये नीचे वाला पार्ट इस तरफ हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट इस तरफ हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप आएगा। तो ये बन जाता है cot इनवर्स का डायग्राम। नाउ cot इनवर्स का समझिए, cot इनवर्स का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स है। तो आपको दिख रहा है जो x एक्सिस में सारा का सारा वैल्यू आ जा रहा है, और इसका जो रेंज होगा वो 0 से π/2
पाई बाई पाई तक होगा, सॉरी जीरो से पाई तक होगा, जो कि ओपन इंटरवल में, यानी कि ये हो जाता है इसका क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये ठीक है। ये है कॉस इनवर्स का डायग्राम, बाकी सारे क्या है जनरल ब्रांचेस में है, ठीक है। जीरो से लेकर पाई, जीरो से लेकर पाई, बट जीरो और पाई इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि जीरो और पाई पे इसका वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, इसलिए जीरो और पाई इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसे कॉस का क्या था, कॉस का जो रेंज था, कॉस इनवर्स का जो रेंज था वो जीरो टू पाई, बट जीरो और पाई इंक्लूडेड था, लेकिन कॉट इनवर्स का क्या होगा जीरो और पाई एक्सक्लूडेड होगा, ओपन इंटरवल में होगा। तो ये सारा का सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोगों ने ग्राफ समझ लिया है। जो साइन का मैंने समझाया है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने से बाकी सबका कंस्ट्रक्शन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि ये एग्जाम में नहीं होगा आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी था इसका एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट करेंगे हम लोग इसका एग्जाम्पल्स, देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है।